सो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। ये नया साल है, आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए और भी अच्छा रहे पिछले साल से। और आज जो मैं एक वीडियो लाया हूँ वो ये है कि आपने नोटिस किया होगा कि बहुत जगह एक्चुअली बैन लग गया है, जो आप कार के आगे जो अपन बुल गार्ड लगाते थे उसको कोई लोग बुल गार्ड बोलते थे, कोई लोग क्रैश गार्ड बोलते थे, तो उनको एक्चुअली बैन क्यों किया गया है और उसके पीछे क्या रीज़न है, आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो देखिए, हर कोई बुल गार्ड लगाता ही इसलिए था क्योंकि उनको लगता था कि जैसे गाड़ी कहीं टच होगी, जो छोटे काफ़ी कम स्पीड पे या किसी बाइक से भिड़ गई या कहीं हल्की फुल्की किसी दूसरी गाड़ी से भिड़ गई, तो आपकी गाड़ी को कोई डैमेज नहीं होगा। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कम स्पीड पे इतना कोई हैवी कोलिशन नहीं है तो आपकी गाड़ी को बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा, ये तो वो ज़रूर हेल्प करेगा। पर अगर स्पीड ज़्यादा है, जैसे हाईवे स्पीड्स पे एक्सीडेंट होगा, तो ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है, उल्टा आपके लिए एक फेटल कॉज बन सकता है, आपकी सेफ्टी नहीं रख सकता ये गाड़ी की और आपकी खुद की इतनी। तो देखिए, होता क्या है कि आजकल की सारी गाड़ियों में देखिए ड्राइवर साइड एयरबैग तो आता ही आता है, तो जो हमारा जो आगे हम आगे जो गार्ड लगवाते हैं ये क्या होता है, इसको बम्पर पे तो टाइट करते नहीं, इसको नीचे से इसको जो गाड़ी की चेसिस होती है उस पे इसको बोल्ट किया जाता है। तो इसके फ़ायदे या नुकसान क्या हुए? फ़ायदे तो ये हुआ कि वहाँ पे वो बहुत स्टर्डी रहेगा, हिलेगा नहीं बिल्कुल भी, मतलब हल्की फुल्की कोलिजन अगर होगी आपकी बहुत छोटे से डिस्टेंस से या काफ़ी कम स्पीड में, तो आपकी गाड़ी को तो कोई डैमेज होगा नहीं क्योंकि सारी चेसिस ही आपका इम्पैक्ट झेल जाएगी। पर अगर स्पीड ज़्यादा हुई तो क्या होगा कि जो भी इम्पैक्ट की जितनी भी एनर्जी है, ये एनर्जी सीधा की सीधा आपकी गाड़ी के चेसिस पे हिट करेगी। अब पूछोगे ये तो फ़ायदा ही हुआ ना एक तरीके से, पर हाई स्पीड पे फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आपका एयरबैग का जो सेंसर है वो डिप्लॉय नहीं होगा, तो आपका एयरबैग ही नहीं खुलेगा। तो एयरबैग का जो सेंसर है वो बेसिकली बम्पर और जो लैंड सपोर्ट होता है आगे गाड़ी में होता है, जहाँ पे रेडिएटर लगा होता है उसके पास ही कहीं सिचुएशन होता है। तो वो क्या करता है, वो देखता है कि जब उस पर डायरेक्टली हिट आएगा अगर किसी चीज़ का, तभी वो एयरबैग यहाँ से आपका डिप्लॉय होता है। पर अगर आपने गार्ड लगा रखा है और वो आपने आपका गार्ड, आप जैसा कि 100 की स्पीड पे आप जाके किसी कहीं आपका कोलिजन हुआ तो गार्ड ने तो सीधा इंपैक्ट आपकी चेसिस पे भेजा, तो जब तक आपका जो सेंसर तक जब इंपैक्ट पहुंचेगा तब तक तो आपका कोलिजन हो गया होगा स्टेयरिंग व्हील से। अब और जो दूसरा कारण है जिससे इनको बैन किया गया है वो ये है कि ये रोड पे अगर ह्यूमंस हैं या फिर एनिमल्स हैं तो उनके लिए बहुत खतरनाक बनता था ये। अब देखिए, होता क्या है कि गाड़ी के बम्पर्स प्लास्टिक के लिए इंटेंशनली बनाए जाते हैं क्योंकि अगर जैसे किसी इंसान से आपकी गाड़ी भिड़ी तो क्या होता है, प्लास्टिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर जाता है अपने अंदर, जबकि लोहा नहीं करता। तो अगर आप जैसे गार्ड से, अगर आपका गार्ड लगाया गया और आपने जैसे किसी पेडिस्टन को हिट किया, तो काफ़ी चांसेस हैं कि काफ़ी सिवियर डैमेज कॉज करेगा वो गार्ड उस पेडेस्टन पे, हड्डियाँ टूटने का चांसेस, या किसी जैसे जानवर कोई कुत्ता भिड़ गया या बिल्ली गाय ऐसा कुछ भिड़ा तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है उस ऑर्गेनिज्म को। पर अगर आपने वो गार्ड नहीं लगाया और बजाय आपने सिर्फ बम्पर ही है आपकी कार का, तो क्या करेगा, बम्पर सारा इम्पैक्ट झेल जाएगा। तो मतलब जैसे कोई पेडेस्टन क्रॉस कर रहा है तो हड्डी टूट, अगर आप काफ़ी तेज चला रहे हैं तो ऑब्वियसली हड्डी टूटने के चांसेस तो हैं ही, पर फिर भी डैमेज बहुत टाइम्स कम होगा बजाय कि अगर आपने गार्ड लगवा रखा है तो। तो ये बहुत ही सिंपल और शॉर्ट सी एक वीडियो थी जिसमें मैंने आपको ये बताया कि क्यों बैन किया गया है बुल गार्ड्स को कार में। तो अगर आपकी गाड़ी में है तो प्लीज़ उसको हटा दीजिए जिससे पहले आपका चालान हुए या फिर आप किसी को डैमेज कॉज करें, और सिंपल रखिए गाड़ी को, ज़्यादा उसमें आगे पीछे सेफ्टी नहीं लगाइए। हाँ, अगर आपको सेफ्टी वाइज चाहिए तो मैं रिकमेंड ज़रूर कर सकता हूँ कि आप पीछे जो आता है, पीछे वाला जो पीछे बैक बम्पर के लिए जो गार्ड आता है वो आप लगा सकते हैं, वो सेफ कर लेगा क्योंकि पीछे से तो आप हिट करेंगे नहीं किसी को, वो इनकेस कोई गाड़ी आई पीछे से या किसी मोटरसाइकिल वाले ने, जैसे अपन कई बार करते हैं कि अपन ट्रैफिक में चला रहे हैं बाइक वाले पीछे से टच कर देते हैं, तो उस सिनेरियो में वो बचा लेता है। तो पीछे तो आप ज़रूर लगा सकते हैं, पर आगे के लिए प्लीज़ अगर आपकी गाड़ी में है तो उसको हटवा दीजिए, और अगर आप लगाने का सोच रहे हैं तो प्लीज़ मत सोचिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियोज़ को, और बने रहिए इस चैनल में जिसमें मैं लाता हूँ ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोज़। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।